ब्रेकिंग न्यूज जी ट्रिपल एस बी दिल्ली में सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली में सरकारी शिक्षक लगातार रिटायर हो रहे हैं और रिटायर होने के बाद वो पद हो रहे हैं खाली, उनकी जगह नए रेगुलर बेसिस परमानेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट नहीं आ रही है। तो दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जिसकी न्यूज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और इस अपडेट को, इस न्यूज को देख लेते हैं बिल्कुल विस्तार से। ये देखिए दोस्तों, ये आज 9 तारीख का हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, दिल्ली एडिशन है। तो यहाँ आप देखेंगे मांगों को लेकर आज शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती समेत कई मांगों को लेकर सोमवार को शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। शिक्षकों ने कहा कि निगम के स्कूलों में लगातार शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इनकी जगह पर जल्द भर्ती सुनिश्चित की जाए। साथ ही सेवानिवृत्त शिक्षकों के अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाए। शिक्षक न्याय मंच नगर निगम के उपाध्यक्ष कुलदीप खत्री ने बताया कि सोमवार को निगम मुख्यालय के गेट नंबर 3 पर शिक्षक अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों यही एक न्यूज, यही अपडेट आ रही है निकल के। बाकी जो टीचर्स रिक्रूटमेंट आनी है DSSSB की तरफ से TGT टीचर्स की, उसके बारे में कोई भी नई अपडेट नहीं आ रही है निकल के। कई बार ये हो चुका है कि इस सप्ताह आ जाएगी या इस महीने के लास्ट में आ जाएगी, पर उस दी गई समय सीमा में रिक्रूटमेंट नहीं आ रही है। बाकी देखते हैं कब आएगी, कोई अपडेट मिलेगी तो जरूर आपके साथ शेयर की जाएगी इसी YouTube चैनल के माध्यम से। उसके लिए कर ले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगा तो करे लाइक और शेयर। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।